अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे और जो है ना बस आप लोगों की दुआओं से और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के सवाल बहुत सारे जो है ना मेरे पास जमा हो रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब से मतलब शादी की वीडियोज मैं अपलोड कर रही थी तब से ही बहुत सारे हर वीडियो के अंदर अलग अलग सवाल होते थे, अलग अलग बातें होती थी, अलग अलग चीज़ें जो है ना वो होती थी, लेकिन उनको जो है उनका जवाब देने के लिए या उनका कॉमेंट्स में एक एक के कॉमेंट्स में जाकर जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो फिर जो है फिर मैंने सोचा चलो मैं बाद में जो है ना इन सारे सवालों को कलेक्ट करके एंड जो है ना अभी आप लोगों को मैं उनका जवाब दे दूंगी। तो फिर क्या हुआ कि अभी मैंने सोचा कि चलो मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ दिनों पहले मतलब एक तो मैंने शादी के बाद जो है ना क्यू एन ए का वो लगाया था पोस्ट, लेकिन वो जो है ना फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका। वो जो है ना शादी के बाद दावतें शुरू हो गई, ट्रिप शुरू हो गया उसमें लग गए, फिर रमज़ान शुरू हो गए, बिल्कुल जो है ना टफ रूटीन हो गया जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो दोबारा से ना इस क्यू एन ए को किया जाए और आप लोगों के सवालों के जवाब मैं भरपूर देने की कोशिश करूँगी। तो जो है चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अरीना का सबसे पहला मैंने सवाल जो है ना ये कलेक्ट किया है, इन्होंने सवाल किया आप ही आपका रिश्ता कैसे आया। मतलब हम लोग यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताती चलूं कि हम लोग जो है ना हज पर गए हुए थे, जब तक ऐसा कोई भी सीन नहीं था और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि जो है ना शादी कब तक होगी, क्या होगा क्या नहीं है, और ना ही इस तरह की कोई दुआ करी थी। बस ये दुआ किया था कि अल्लाह पाक जो हक में मेरे लिए बेहतरीन होना तो वो मुझे अता करना, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और बस ये कि अच्छे लोगों से जो है ना वो मिले। तो फिर जो है इस तरह से मैंने दुआ करी थी अपने लिए, बाकी मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी, पापा ने बहुत सारी दुआएं की थी। तो फिर ये हुआ कि जब हम लोग हज से आए हैं 6 जुलाई को और जो है तकरीबन फिर 12 जुलाई को तकरीबन हमारे घर में मिलाद हुआ था एक हफ्ते बाद। तो फिर एक हफ्ते बाद जो है ना मतलब मेरे हस्बैंड की जो है ना अम्मी आई थी मिलाद में, वैसे वो हमारी बहुत पुरानी अच्छी और सब्सक्राइबर थी तो वैसे भी आती जाती रहती थी, लेकिन वो मिलाद में जब आई तो उन्होंने फिर जिक्र किया ऐसे करके, लेकिन वो खैर जो है वो बस हिंट दिया था, इस तरह से कोई रिश्ता नहीं दिया था। फिर उसके बाद जो है ना मिलाद से होने के बाद जब वो गई हैं 2-4 दिन बाद उन्होंने अम्मी से फिर इस तरह से रब्ता किया, फिर जो है आंटी रिश्ता लेकर आई, मतलब अब तो अम्मी हो गई है तो अम्मी रिश्ता लेकर आई, और जब था 1st मुहर्रम था। फिर उसके बाद जो है ना 21 जुलाई को पहला मुहर्रम था, मुझे याद है जब जो है आंटी रिश्ता लेकर आई थी, खैर अब तो आंटी नहीं है वो तो अम्मी बन गई है। तो जो है 21 जुलाई 2023 को वो रिश्ता लेकर आई थी, और जब वो है ना फर्स्ट रिश्ता लेकर आई थी उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था कि जो है पक्का हो गया है यहाँ क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद हमारी रस्म हुई 12 अगस्त को हमारी रस्म भी हो गई थी, मतलब शादी की डेट फिक्स जो होती है ना शादी की डेट फिक्स करने आए 12 अगस्त को, और फिर उसके बाद जो है ना हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। अभी तक मुझे जो है ना इनको मैंने बस जो है सरसरी सा देखा था, मैं इनको कोई अच्छा खासा कुछ जानती नहीं थी, लेकिन वही एक है बस जो है ना अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया था, मैं चलो वही अल्लाह मालिक है जो भी है, क्योंकि हज करने के बाद सबसे पहला रिश्ता जो था ना वो इनका आया था, तो बस मेरी अम्मी ने बोला था ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक तोहफा आया है अब उसको कबूल कर लो बच्चे तो वैसे ये हुआ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और सवाल कलेक्ट किया है, ये शिवराम अंसारी का भी है, और काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पूरी स्टोरी बताई है तो वैसे ही जो है ना अब आप समझ गए होंगे कि ये टोटल अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज है क्योंकि जो है रिश्ता डन होने के बाद भी जो है ना मैंने फिर अपनी अम्मी से बोला था अरे मुझे लड़के का नाम तो बता दे तो फिर उन्होंने बताया था ये जो है। अच्छा काफ़ी लोगों के सवाल ये भी थे कि आप जो है ना नाम बता दें, काफ़ी लोगों को नाम नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि इनका नाम जो है ना वो शाहजेब है। अब सुन लो लोगों को सुनने में कभी वो झांजेब लग रहा होता है कभी कुछ लग रहा होता है, तो अब मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि वो शाहजेब है। और जो है ना फिर मैं अम्मी ने मुझे जब बताया था जब अम्मी ने डन कर दिया था रिश्ता, तो ये टोटल अरेंज मैरिज है कहने का मतलब ये है। अच्छा एक और सवाल है, और ये सवाल जो है ना ये मेरी व्लॉग्स के अंदर भी काफ़ी लोग मुझसे सवालात कर रहे थे, अम्मी की वीडियोस में जाना के सवाल कर रहे थे, मुझे DM भी आ रहे थे, उसके अलावा जो मैंने Q&A की पोस्ट लगाई थी उस पर भी बहुत लोग जो है ना सवाल कर रहे थे ये कि जो है ना अच्छा इनका नाम क्या है, पता नहीं किनेश रिंग पता नहीं का नाम है इस तरह से बड़ा मुश्किल सा नाम है।
अच्छा, आप शादी के बाद सेपरेट क्यों रहती हैं? आपकी सास अलहदा रहती हैं, फैमिली तो बहुत छोटी है फिर भी, तो मतलब ये है इनका सवाल कि मैं सेपरेट क्यों रहती हूँ फैमिली छोटी होने के बावजूद, और मतलब सास ने अलहदा क्यों किया हुआ है। दरअसल मैं आप लोगों को बताती चलूँ, दरअसल होता यूँ है कि हम जो है ना अलहदा नहीं रहते, हम लोग सेपरेट नहीं रहते, बस आप ये समझ लें कि हमारा जो घर है ना बिल्कुल आमने सामने है। मीन्स ये है कि मेरी मदर इन लॉ का घर जो है ना बिल्कुल मेरे घर के सामने है, तो हमारा ये है कि जो है हमारा बस ये समझ लें कि थोड़ा सा पोर्शन वाइज हुआ हुआ है घर। तो ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और अपना जो है फिर मैं उनके पास चले जाती हूँ, उनको सलाम दुआ करके, और फिर नाश्ता यहाँ पे बना लिया तो उनके साथ कर लिया, उन्होंने कुछ बनाया या उनको कोई चीज़ चाहिए या कोई भी बात करनी है या एक्स वाई जी, तो हमारा आना जाना ऐसा लग रहता है बिल्कुल जो है एक ही घर की तरह। तो आप इसको इसे कह सकते हो कि हाँ हम लोगों को सेपरेट जो है ना एक घर मिला हुआ है, लेकिन जो है इतने करीब और आसपास हम लोग रहते हैं, बल्कि बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना लगता नहीं कि हम लोग सेपरेट हैं, क्योंकि जो है बड़ों की वजह से बहुत रौनक होती है माशाल्लाह से, तो भाई उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प है, और ना उनकी और उनका भी जो है ना दिल मेरी वजह से लगे रहता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो ये है कि मैं सुबह उठते के साथ ही उनके पास चले जाती हूँ, कोई काम वाम हुआ तो करा लिया, नहीं हुआ तो बैठ गए बातें बातें करनी। तो इस तरह से जो है ना ये हमारा घर है, ये मेरा बेडरूम है और जो है ना ये हमें तकरीबन ऐसे ही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना नूर 40, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर इनकी आईडी का नाम है नूर 466 और इन्होंने सवाल किया है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब जॉब के सिलसिले में वो क्या करते हैं, इन्होंने ये सवाल किया है। ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है और मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा पूछे थे, मेरी अम्मी ने जो है ना इसको ढके छुपे अल्फाजों में ऐसे ही बताया, इस तरह से भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि वो सास इदारे में जॉब करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। तो जो है आप लोगों को मैं समझ सकती हूँ कि जो है ना आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, तो वो कोर्ट में जॉब करते हैं। अच्छा जी, ये वाला सवाल जो है ना मुझे अपनी शादी के बाद इतनी भरमार लगी हुई थी, जब मैं शादी के बाद अपनी अम्मी के फर्स्ट टाइम मैं के गई थी, तो वहाँ पर जो है ना मतलब मेरे सबसे ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में बस ये सवाल भरा हुआ था कि मुँह दिखाई में क्या मिला। तो आप जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, दरअसल मुझे मौका नहीं मिला बिल्कुल भी मुँह दिखाई दिखाने का। तो उस वक्त जो है ना मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे मुँह दिखाई पर ये दिया था, थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो मुझे मुँह दिखाई पर जो मिला था वो ये मिला था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गोल्ड का ब्रेसलेट दिया था जो कि इसको मैंने इतना संभाल कर रख दिया है कि जो है मैंने अभी जो है जाहिर है अपनी सास के दिए हुए जो है ना ये सोने के कड़े पहनी हुई हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने ये गोल्ड का ब्रेसलेट इसको ऐसे रख दिया है कि अभी कहीं आना जाना होगा तब मैं पहन लूँगी। तो बहुत सारे लोगों की जो सवालात थे ना कि जो लोगों के सवालात थे ना, बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि मुँह दिखाई पे क्या मिला, तो मुझे मुँह दिखाई पे ये मिला था। आप लोग दोबारा से ये देख लीजिए, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा आप लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो है ना इन्होंने ये सवाल किया है सईदा अनीस ने, कहते हैं आपने कहा है मैं इकलौती बहू हूँ तो आज ये वीडियो डाली है उसमें देवर कहाँ से आ गया दरअसल मैं देखे अब वही बात है ना कि इकलौती तो मैं हूँ, जाहिर है वो देवर जो है वो अनमैरिड है, तो अभी फिलहाल जो है मैं इकलौती बहू हूँ जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, तो ये है, और मेरे देवर होने से मेरा कोई वो थोड़ी है, तो ये है। तो रीबा का सवाल है शादी के बाद की लाइफ और अनमैरिड लाइफ में क्या फर्क है, मतलब एक अनमैरिड शादी से पहले लाइफ में और अभी की लाइफ में क्या फर्क है दरअसल बहुत ज्यादा फर्क होता है, शादी से पहले इंसान जो है ना अपनी अपनी सोच रहा होता है और अपनी जिंदगी एक बहुत एक मजे से गुजार रहा होता है, शादी के बाद भी जो है ना मजे से जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन साथ साथ में अपने साथ साथ जो है ना और लोगों का भी ख्याल करना पड़ता है और करना भी चाहिए। शादी से पहले जो है मेरा जब दिल करता था मैं सोती थी, उठती थी, खाती थी, पीती थी, मस्ताती थी, लेकिन शादी के बाद जो है ना मुझे एक टाइम एक बना हुआ है कि अब मुझे इस टाइम पर सो जाना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मेरे हस्बैंड को जो है ना सुबह ऑफिस जाना है तो उनको नाश्ता बना कर देना है, उनके लिए भी उठना है, उसके बाद जो है ना अपनी मतलब अपने से ज़्यादा इंसान जो है ना दूसरों की सोच रहा होता है, अपने जुड़े लोगों की सोच रहा होता है। शादी से पहले ही होता है यार ये काम पड़ा हुआ है अभी चलो अम्मी कर लेंगी, भाई कर लेगा, कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन हमारा जब हमारा एक शादी के बाद ये होता है कि यार ये काम मुझे ही करना है और अब मुझे ही करना पड़ेगा,
और मुझे ही करना चाहिए, तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मैं समझती हूँ कि अगर आप शादी को अगर दूसरे व्यू में देखो ना, तो शादी का दूसरा नाम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस दैट्स इट ऑल, जो है ना होना भी चाहिए। जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। यहाँ पे अक्सा खान पूछती हैं कि आपको कैसा लग रहा है अपने पहले रोजे ससुराल में हैं अपने हस्बैंड के साथ। जी हाँ, ये मेरे फर्स्ट रमज़ान है मेरे ससुराल में और बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं और जो है ना माशाल्लाह से जो है ना मेरा पूरा ससुराल ही बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रख रहा होता है, तो बिल्कुल भी जो है ना इस चीज़ का महसूस नहीं हो रहा होता। काम का इतना ज़्यादा मेरे ऊपर फिलहाल अभी जो है ना इतना कोई बर्डन नहीं है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे रोजे गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये होता है समटाइम कि अगर कभी कभार शहरी में मुझे फील हो रहा होता है कि यार अम्मी के घर में ना बड़ी रौनक लगी हुई होंगी, फिर उनकी नेक्स्ट डे वीडियो आ जाती है या सुबह वीडियो आ जाती है तो मैं वो देख लेती हूँ, या फिर जो है ना कभी कभार उनसे मैं खैर वो जो है ना मिलने चली जाती हूँ, बात बात हो जाती है तो वो भी ओके हो जाता है सब। सैयदा साइमा ने सवाल किया है कि आपके ससुराल में आप इकलौती बहू हैं, आपके देवर जेठ नहीं है? दरअसल मेरे कोई भी जेठ नहीं है, जो है ना मैं सबसे बड़ी बहू हूँ यहाँ की और जो है वो मेरे कोई देवरानी भी नहीं है फिलहाल अभी, ये जो है तो बस एक देवर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तूबा शेख ने सवाल किया है, आप अपने ससुराल वालों को पहले से जानती हैं क्या? एंड हाँ, यू आर वेरी क्यूट, आपकी लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो तूबा शेख। और दूसरी बात ये कि हाँ जो है मैं बस अपनी मदर इन लॉ को जानती थी, अपनी सिस्टर इन लॉ को जानती थी, बस इन दोनों को जानती थी क्योंकि ये दोनों ही हमारे घर आती थी और इनको जो है ना लेने कौन आता था और इनके कौन बेटे हैं कितने क्या है ये हम लोगों को नहीं पता था, और ये जो है जब रिश्ता आया तब पता चला जैसे भी आप लोगों को बताया। तो हाँ, मैं बहुत अच्छे से जो है ना बहुत अच्छे से अपनी मदर इन लॉ को जानती थी और वो हम लोगों को जानती हैं काफ़ी टाइम से। तो उन लोगों की जो है ना जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब मेरी मदर इन लॉ आई थी घर पर, वो वाली पिक्चर भी अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन पर मैं शेयर कर दूंगी। जब अम्मी का सिल्वर बटन आया था उस दिन जो है ना वो फर्स्ट टाइम घर पर आई थी और उनको खुद नहीं पता था कि अम्मी का सिल्वर बटन आया है। अम्मी ने जो है ना एक जो है ना एक अम्मी जो है एज अ सब्सक्राइबर के तौर पर मिली थी और अम्मी ने कहा था कि देखें जो है ना मुझे आज सिल्वर बटन आया है लेकिन ये अभी तक मैंने अपनी आवाम को नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह और जब हम पार्टी रखेंगे ये वो। फिर ऐसे करके हमारा मिलना जुलना लगा रहा। तो अंजुम बेकर्स का ये सवाल है कि आपकी शादी का एल्बम कब आएगा? जब भी आएगा आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। वैसे तो वो आ चुका है लेकिन अम्मी के साइड का एल्बम आ गया है और वो अम्मी के घर पर है, तब जब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी या अम्मी के घर कभी जाऊंगी तो आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी अपनी शादी का एल्बम। यहाँ पर सुमरों ने सवाल किया है कि वलीमा ड्रेस डिटेल और उसके अलावा जो है ना मेरी शादी की वीडियोस देखने के बाद उन वीडियोस पर काफी सारे कमेंट्स थे कि ये वाला ड्रेस कहाँ से लिया है, इसकी डिटेल बताते हैं अपनी मदर इन लॉ से पूछकर। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो शरारे थे बरात और वलीमे के, ये जो है कराची से लेकर आई थी और जो है ये इन्होंने कहाँ से लिया था खैर इसके तो मुझे पूरा बकायदा दुकानों का नहीं पता, लेकिन जो है ना मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो कराची से लेकर आई थी मेरी शादी के जोड़े। तो यहाँ पर जो है ना सरफराज भाई बोलते हैं कि अंबर आपने इतने जल्दी घर का काम करना शुरू कर दिया। सरफराज भाई, शादी के बाद जो है ना काम करना पड़ता है और काम करना चाहिए भी, और दूसरी बात ये कि जाहिर है हमारा जो है बिल्कुल एक सेपरेट पोर्शन है तो इस वजह से जो है ना मुझे ही करना है यहाँ का, तो कोई दूसरा तो ऐसे करेगा नहीं, तो इसलिए जो है तो अपने घर का बंदा काम कर रहा है तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो खीर की जो रस्म होती है काफ़ी लोगों की वो कमेंट्स थे कि खीर मेरे हाथ में डला या खीर की रस्म नहीं हुई। दरअसल वो खीर की रस्म भी करनी थी और जो है ना खीर में हाथ डलना था प्रॉपर तरीके से, एक हम लोगों ने सब कुछ मेन्यू वगैरह सब कुछ डिसाइड हो गया था, सब कुछ प्लानिंग कर ली थी, लेकिन हुआ यूं कि जो है वो शादी के बाद मेरा ट्रिप शुरू हो गया था, फिर वहाँ से जब मैं आई तो मेरी दावतें शुरू हो गई हैं, फिर उसके दावतों की इस बात जब है अम्मी और मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो पंजाब टूर पे चले गए थे, मतलब मुल्तान और ये अपना इस्लामाबाद मरी साइड चले गए थे, तो फिर वो लोग वहाँ से जब आए हैं तकरीबन फिर दो दिन ही थे रमज़ान में, फिर सब लोग रमज़ान की तैयारियों में और सब जो है ना इसमें लगे हुए थे कि बस जो है फिर वो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि खीर में हाथ डलता या ऐसी कोई रस्म होती, वो सब कुछ जो है ना प्लान बनाया हुआ था और अब देखें वो क्या होता है। लेकिन खैर, काम तो जो है ना मैं शादी के बाद से फौरन मतलब जो है झाड़ू वगैरह तो मैं कर ही रही थी क्योंकि जाहिर है मैं यहाँ पर अकेली होती हूँ,
तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो है घर गंदा पड़ा हुआ है या क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए वैसे भी कर सकता है इंसान जो है। तो शादी की बात तो फिर यही है भाई, तो कोई वो नहीं है। खैर ये हुआ। तो यहाँ पर जो है ना उमुल वरा ने सवाल किया है, बल्कि बोला है, सवाल तो नहीं है, बोला है कि अपनी सास को जो है ना या तो उनका चैनल बनाए या क्या है क्या नहीं है उनकी भी रूटीन इस तरह से। तो दरअसल ये है कि मेरे ससुराल साइड से कोई भी जो है सोशल मीडिया पर नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो जो है इस घर के अंदर बस जो है मेरी ब्लॉगिंग और मेरा ही सब कुछ जो है सोशल मीडिया से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मेरे ससुराल में कोई भी सोशल मीडिया से ताल्लुक नहीं रखता और ना ही आने वाले वक्त में कभी रखेंगे। तो ये है, तो जो है अभी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ अपनी ब्लॉगिंग के जरिए जो है मैं मेरी सास क्या कर रही है, मैं उनकी भी रूटीन दिखा रही होती हूँ, मैं अपनी रूटीन भी दिखा रही होती हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो जो है आप लोगों को जो भी देखना है आप लोग मेरे चैनल पर देखें। तो ये है, बाकी जो है मेरे ससुराल में किसी का भी जो है सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह से कोई भी किसी का भी किसी भी तरह का जो है ना कह लो कि कोई, तो मतलब जो है ना मेरे ससुराल में किसी का भी जो ना सोशल मीडिया से कोई भी लिंक नहीं है, ना कि कोई यूट्यूब पे कोई चैनल है, ना इंस्टाग्राम पे कोई पेज, ना फेसबुक पे, नथिंग, कोई कुछ भी नहीं ना। तो बस जो है बस मेरा ही है। और जो है आप लोगों को जो है मैं सब कुछ दिखा देती हूँ, मेरा अपना मदर इन लॉ का रूटीन दिखा देती हूँ, अपना रूटीन दिखा रही होती हूँ, क्या बना रही है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ, सब लोग क्या खा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ जो है ना मैं सब कुछ शेयर कर रही होती हूँ। तो बस जो है मेरे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब लोगों को जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही होती। तो ये है, तो यहाँ पर शाइस्ता ने सवाल किया है, अंबर यू कुड गो आउट ऑफ कंट्री फॉर योर हनीमून, क्यों नहीं गई? मतलब बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि भाई मैं आउट ऑफ कंट्री क्यों नहीं गई हनीमून के लिए, घूमने फिरने के लिए, या उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल ये थे कि जो है ना आप उम्रे पर क्यों नहीं गई, या आप उम्रे पे कब जाओगी और क्या प्लान है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जो है ना मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं ना, उनको फिर जो है एक्स पाकिस्तान लीव लेनी पड़ती, जिसकी वजह से जो है ना मेरे लिए थोड़ा सा वो हो रहा था कि यार अभी चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी छुट्टियां बहुत ज़्यादा ली हैं, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि इन फ्यूचर कभी भी हम लोग जाएंगे तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, उम्रे पे जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे आप लोगों के साथ जो है ना मैं कनेक्ट रहती हूँ। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अफजल इमरान ने सवाल किया है, आपकी शादी की रियल डेट क्या है प्लीज बता दें। शादी की मतलब शादी की रियल डेट क्या है? शादी की रियल डेट जो है वो है 29 दिसंबर को हमारा निकाह हुआ था, और 1 जनवरी को हमारी माई हुई थी, फिर उसके बाद जो है ना शादी इस तरह से एक दिन छोड़कर एक दिन चलती रही थी। लेकिन ऐसा है कि जो है 29 दिसंबर को हमारा निकाह हुआ सबसे पहले, 27 दिसंबर को मिलाद हुआ था घर में, फिर 29 को निकाह हुआ था, 1 जनवरी को माइयाँ हुई थी, और ये शादी का इस तरह से जो है पूरा जनवरी में शादी का सिलसिला चलता रहा। और जो है मेरी शादी मतलब आप समझ लो कि दिसंबर में बस निकाह हुआ था 29 दिसंबर को, और जनवरी में शादी हो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना अभिया अंसारी ने कहा है, और काफी लोगों ने मुझसे बोला है कि अपना होम टूर दें, अपना रूम टूर दिखाएं, अपना जो है ससुराल वाला घर दिखाएं। काफी लोगों के साथ से क्यूएनओ में क्यूएनओ सारी ने यहाँ पर जो है मुझसे सवाल किया है, तो आप अपना होम टूर कब दे रही हैं? तो दरअसल ये सवाल जो है ना काफी सारे लोगों का था, और ये काफी लोगों की रिक्वेस्ट भी है कि जो है ना ये अपना होम टूर दें, आपका घर कैसा है हमें देखना है, और जो है ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है मैं होम टूर दूंगी। लेकिन दरअसल ये है कि अभी थोड़े से मैं ना ईद की तैयारियों में, रमजान के बाद जो है ना रमजान की वजह से जो है ना थोड़ा सा रूटीन भी टफ हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी रूटीन चल रहा है। इंशाल्लाह जो है ना इन सारे कामों से फ्री होने के बाद और अच्छे से थोड़ा सा घर को भी मैं जो है ना अच्छे से सेट कर लूँ, मैनेज कर लूँ, फिर जो है मेरा एक अच्छा सा सेटल रूटीन बन जाएगा ना, फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों के साथ अपना होम टूर और अपनी बाकी चीजें जो है ना शेयर करती चलूंगी। यहाँ पर जो है ना हरमेन सिंह ने मतलब हरमेन भाई ने सवाल किया है शाजिद भाई की बारे में, 5 अच्छी चीजें बताइए। बस 5 अच्छी चीजें बताई। नहीं अच्छा जी, मैं 5 अच्छी चीजें बतानी है इनके बारे में।
अच्छा जी, चले मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो है ना, अपना घर के और हर चीज के ना, मतलब बहुत ज्यादा सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखते हैं, सही है। दूसरा, ये केयरिंग बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो जो है ये केयरिंग बहुत है। दूसरा, इन चीज़ों को बड़ा ख्याल रहता है, जिन चीज़ों का मैं भी ख्याल नहीं रख रही होती। लाइक जैसे मेरा फ़ोन है, चार्ज नहीं है, तो इनको ये अगर देखते हैं तो फ़ौरन चार्जिंग पे लगा देना। मेरी हर चीज़ का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, सिर्फ और सिर्फ पाँच नहीं है। अगर मैं पाँच बोलूँगी तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ये बस इतनी सारी चीज़ों में बस मैंने पाँच ही काउंट करी है। तो माशाल्लाह से बहुत सारी अच्छी बातें हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये है कि हाँ, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अभी वीडियो बना रहे ट्राई कर नहीं तो बस ये है, माशाल्लाह से जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं हर चीज को। तो यहाँ पर जो है ना सवाल इनका है राहिल शहजादा। यहाँ पर जो है ना राहिल शहजादा इनकी आईडी का नाम है, और इन्होंने मुझसे कहा है कि लोगों को इग्नोर करके अपनी मस्ती में जीना, ये टिप मुझे भी पता है। तो मैं बस ये बोलूँगी, अपनी मस्ती में रहो, अपना खुश रहो और खुश रहने दो, खुशियाँ बांटो, दैट्स इट। अपना दिल मुतमइन होना चाहिए। जब आपका दिल मुतमइन होगा, जब आपको ये फील होगा ना कि नहीं यार, मैंने किसी के साथ आज गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ भी गलत नहीं हो सकता। और अगर कोई अगर आपको जान करके टीज कर रहा है, कोई टॉन्ट कर रहा है, या कोई भी अगर आपको आपकी खुशी सामने वाले से बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आपको खुश होना चाहिए कि यार देखो, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझसे हसद कर रहे हैं, लोग मुझसे जल रहे हैं। जब भी जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह इसको हिदायत दे और लोगों की जो है ना हिदायत के लिए दुआ मांगे, दैट्स इट। बस अपनी मस्ती में रहे, अपनी मौज में रहे, और जो कोई कोई कुछ भी कह रहा है उसको बोलने दें, उसको जो है ना वक्त का जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो बस जो है ना अल्लाह पे छोड़ दे सब कुछ और आगे चले बस, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर स्ट्रीट डॉग को जवाब दें। इसलिए जो है ना इनको इग्नोर करके मूव ऑन करें, आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें। तो यहाँ पर जो है ना सईदा सायमा ने बोला है आपके हस्बैंड के बारे में, वो क्या जॉब करते हैं, जॉब का तो मैंने बता दिया है, और उनकी एजुकेशन क्या है। मेरे हस्बैंड की जो एजुकेशन है, वो उन्होंने जो है ना एम कॉम किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे जो है ना अलरोज, इनकी आईडी का नाम है अलरोज 29, और इनकी आईडी का नाम है अच्छा, और उन्होंने मुझसे बोला है, अंबर देखा तुम दिल की साफ थी, तुमको साफ दिल के लोग मिले, जो दिल के तंग थी उनको नसीब में वैसे ही लोग हो गए। खैर एनीवेज, तो बस ये आप लोगों की दुआएं हैं, और जो है ना ये बस कह लो कि ये अम्मी की दुआएं हैं, पापा की दुआएं हैं, हज पे करने वाली दुआएं हैं, कि अच्छे लोग मिलना और अच्छे नसीब होना, ये एक बहुत बड़ी नेमत की बात होती है कि एक अच्छी फैमिली में इंसान चले जाए, जहाँ पर इंसान को जो है ना एक एक अपना दिमागी सुकून मिले, इंसान के चेहरे से ही सब कुछ जो है ना इजहार हो जाता है। तो खैर जो है ना, बस अल्लाह ताला ने मेरे पर बहुत करम किया है, और बस ये है कि आप लोगों ने भी जो है ना मुझे दुआओं में मज़ीद याद रखना है। बाकी इस सवालात के और काफ़ी सारे जो एक जैसे सवालात थे ना, मैंने उन सारे सवालात को जो है ना कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आप लोगों की बहुत सारी बातें मैंने क्लियर कर दी होंगी। और दूसरा ये कि बस जो है ना ऐसी मज़ीद मुझे वीडियोज़ में आप लोग दुआएं देती रहिएगा, और ना बस जो है इंशाल्लाह फिर जो आगे आप लोग जो जो सवाल करते हो ना, फिर इंशाल्लाह उनको जो है ना मैं साथ साथ वीडियोस के साथ साथ लेकर चलूंगी। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, और ना बस जो है ये समझ लें, अच्छी फैमिली मिलना भी आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत होती है, और वो नेमत से अल्लाह पाक ने नवाजा है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि सब लड़कियों के लिए जो है ना नसीब के लिए दुआ करें, और जो है ना खुश रहें, खुश रहने दें। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना बहुत सारे लोगों के सवाल साथ साथ दुआएं भी थी, उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी, दुआओं में याद रखा, और जिन जिन लोगों के मैं सवालात नहीं ले सकी टाइम की वजह से, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हुआ होगा मुझे लग रहा है, तो जो है इंशाल्लाह फिर उनकी जो है कभी किसी वीडियो में मैं साथ साथ में आप लोगों को जवाब देती रहूंगी। और बस उम्मीद करती हूँ कि आज के मतलब Q&A में बहुत सारे सवालात के जवाब मैंने कवर किए हैं, और आप लोगों को बहुत सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन जिन लोगों के सवाल मैं नहीं ले सकी इस वीडियो में, वो इंशाल्लाह जो है ना फिर कभी ले लूंगी, लेकिन अभी के लिए माजरत, क्योंकि अभी जो है ना वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी। दूसरी बात ये कि जो है ना बहुत सारे सवाल जब एक जैसे हो रहे थे, तो उन्हीं सारे सवालों को जो है ना मैंने ज्यादातर जो है ना उनके जवाब दिए हैं आप लोगों को। और ये कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और कोई मजीद सवाल आते हो तो वो भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरी वीडियो में नए नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक पर, टिकटॉक पर, हर जगह पर अवेलेबल हूँ अमर नाज के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल
रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक मेरी दीजिए इजाजत, तो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।